रुपहले पर्दे की यही कहानी रही है, जिसकी जब तक चली लोगों ने पलकों पर बिठा कर रखा। हर किसी का वक्त आता है, लेकिन वक्त खत्म होते ही उसे हाशिए पर रख दिया जाता है। अजय वढ़ावकर की कहानी भी एक ऐसे ही कलाकार की कहानी है, जिनके कभी पर्दे पर आते ही उनके चाहने वाले हंसी से लोटपोट हो जाया करते थे। अपनी अदाकारी से लोगों को हंसाने वाला ये कलाकार आज कैंसर और डायबिटीज से पीड़ित है और अपनी थमी जिंदगी से उदास हो गया है। हमारे संवाददाता संजीत कुमार लेकर आए हैं अजय जी की दर्द भरी दास्तां। बीच सड़क चौराहे पे खड़े गणपत हवलदार के रूप में चर्चित अभिनेता अजय वधावकर कभी पर्दे पर इसी किरदार में यातायात नियंत्रित करते दिखे, पर मौत और जिंदगी के दोराहे पर खड़े असल जिंदगी में अजय वधावकर अपने घर के बजट को दिशा नहीं दे पा रहे हैं। पहले गरीबी और अब ऊपर से कैंसर जैसी भयानक बीमारी, जो रोग से बाद में मारती है, पहले इलाज के खर्चे से बेदम कर देती है। अगर ये सब काफी नहीं था तो अजय के पर्दे और थिएटर की रंग बिरंगी दुनिया को फीका करने के लिए डायबिटीज बीमारी ने उन्हें ना सिर्फ तोड़ दिया बल्कि पाँव से भी लाचार कर दिया। पता चला एक फिल्म में छोटे बच्चे का रोल है, तो वहाँ अकेला गया। वहाँ पे मैंने डायरेक्टर को पूछा, डायरेक्ट जाके उन्होंने देखा मेरी तरफ, अच्छा ठीक है तू जरा थोड़ा सा बड़ा है, मुझे और छोटा लड़का चाहिए। तो मैं मायूस हो गया, बोले मुझे ऐसे पकड़ लिया, बोले नहीं तेरे लिए मैं रोल दूंगा, मैं एक रोल डेवलप करता हूँ तेरे लिए। और उन्होंने उसी जगह पे मुझे बोल दिया कि तू कल से काम करना मेरे साथ। पैसे तो उस वक्त किसी ने नहीं दिए, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के मुझे पैसे मिलते थे और प्लेज वगैरह करता था मैं, बैकस्टेज वर्क करके काम करता था। 2 रुपये 2.5 रुपये मिलते थे मुझे, 1 रुपया भी मिलता था कभी कभार। करते करते एक्टिंग करने लगा मैं। 7 साल की उम्र में वो थिएटर से जुड़े और फिर 8 साल की उम्र में उन्हें पहली बार मराठी फिल्म में अभिनय करने का मौका मिला। रिलीज के बाद ना तो वो फिल्म चली, न टाइटल में नाम आया और ना ही जेब में कुछ पैसे आए। यही सिलसिला उनके साथ आगे भी जारी रहा। कुछ फिल्मों में रोल तो जरूर मिले लेकिन जेब में एक पैसा नहीं आया। उन्होंने हार नहीं मानी और थिएटर में काम करना जारी रखा। एक प्ले में काम करने के बाद वो चर्चा में आए। सभी गुलदस्तों में मैं हीरो था और आखिर था सवाल में 2 डायलॉग का रोल था। सभी गुलदस्तों ज्यादा चला नहीं, आखिर था सवाल बहुत चला, 500 शोज चले। 1985 में दूरदर्शन पर ही प्रसारित होने वाले चर्चित सीरियल नुक्कड़ में गणपत हवलदार के किरदार ने अजय को नाम के साथ साथ शोहरत भी दी। इसके बाद तो अजय को जितनी भी फिल्में मिली सभी में हवलदार की ही भूमिका मिली। जिंदगी के इस नुक्कड़ में उनके चर्चित धारावाहिक की तरह सफर सही चल रहा था, हालांकि इससे जुड़ने की कहानी भी खासी दिलचस्प है। मैं तो पहचानता नहीं था सईद मिर्जा को, उन्होंने एड्रेस दिया, मैं गया मिलने, तो वो बोले कि मैं ऐसे ऐसे एक सीरियल कर रहा हूँ नुक्कड़ नाम की, उसमें तुम हवलदार कर रहे हो, करोगे? बोले क्यों नहीं करूँगा सर। और ऐसे मैं नुक्कड़ में हो गया, एंट्री हो गई, सुपर हिट सीरियल हो गई और उससे मुझे नेशनल लेवल पे मुझे पब्लिसिटी मिली। शादी होने के बाद उन्हें जो भी काम मिला वो करते गए, अपना घर जो चलाना था। किस्मत से उन्हें उस वक्त काम भी काफी अच्छा मिला, पर गणपत हवलदार की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब 10 साल तक उन्हें कोई काम नहीं मिला। बुरे वक्त ने उनसे उनका घर और गाड़ी दोनों छीन ली। आर्थिक रूप से टूट चुके अजय को इस मुश्किल घड़ी में साथ मिला घर की लक्ष्मी शिवानी का, जो उनके साये की तरह साथ बनी रही। उस जमाने में भी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ काम मिल रहा था, लेकिन पूरा घर चलाती थी मेरी बीवी, उसने बहुत संभाला है मेरे को। इन्वेस्टमेंट करने इतने पैसे ही मेरे को कभी मिले नहीं। दरअसल पर्दे पर हंसने हंसाने वाले गणपत हवलदार का ही चालान किस्मत ने काट दिया। कुछ वक्त ने और कुछ हालात ने अजय को आर्थिक रूप से लाचार कर दिया। यही वजह थी कि कभी जाने भी दो यारों, इंग्लिश बाबू देसी मेम, यस बॉस
अकेला जैसी दर्जनों फिल्मों से लोगों के दिल में जगह बना चुके गणपत हवलदार गरीबी के हाथों हुए गिरफ्तार। उस पर से कमाए हुए पैसों को माकूल समय पर सही तरीके से निवेश नहीं कर पाने के कारण अजय वधावकर जिंदगी के दौराहे पर खड़े समझ नहीं पा रहे कि जीने के लिए जाएं तो किधर। आर्थिक तंगी ने जैसे हमेशा हंसते रहने वाले अजय से उनकी हंसी ही छीन ली। मेरी बीवी के पहचान वाले थे सुरवे नाम के, उनका घर था, उनको भाड़ा दिए बिना हम वहाँ रहते थे। बाद में उनको वो घर बेचना था, इसलिए फिर बेघर हो गए हम। फिर एक दोस्त ने मेरी मदद की, मुझे मेरा स्कूलमेट है, उसने मदद की, उसने थोड़े पैसे दिए मुझे। तो और अंदर नाला सोपा रखे, बहुत अंदर जाके हम रहने लगे दोनों। 6 साल पहले डायबिटीज ने अजय से उनका एक पैर छीन लिया। इसके इलाज में करीब 3.5 लाख रुपए लग गए। कहते हैं ना, मुसीबत आती है तो चारों तरफ से। 1.5 साल पहले अजय के गले में कैंसर का पता चला। 60 साल की उम्र में सीरियल्स और फिल्मों में काम करने के बावजूद दर्शकों को हंसाने में अपना सब कुछ लुटा चुके गणपत हवलदार के पास इलाज के लिए कुछ नहीं बचा। उनके परिवार, दोस्त और कुछ राजनीतिक पार्टियों ने आर्थिक रूप से थोड़ी बहुत मदद भी की, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। जो मेरी हालत एकदम ही खराब हो गई, तब घर वाले सब आ गए। लेकिन देखिए भाई साहब, मैं किसी को कोई दोष नहीं देता, कोई नहीं आया तो, क्योंकि आज का ज़माना ही ऐसा है ना कि अपना खुद का ही लोगों को कम पड़ता है, तो किसी को मदद करने के लिए इतने कोई मतलब। फिर भी बहुत मदद की मुझे। पिछले 10 महीने से मैं घर पे हूँ, मैं पूरा खाक हो गया हूँ, और मैं मेरे रिश्तेदारों से आज पैसा मांग के घर नहीं चला सकता मेरा, और मेरा इलाज भी नहीं कर सकता मैं क्या करूँ। लेकिन मैं रो नहीं रहा, रोता हूँ सिर्फ इसके पास रोता हूँ, जो मेरा दुख है वो इसके पास। आजकल वो भी नहीं करता, आजकल मैं सब कॉमेडी में लेता हूँ। मैं लोगों के लिए भागता था, लेकिन आज मेरे लिए कोई भागता नहीं है। जिनके लिए मैं भागा वो आज अच्छा हुआ है क्या, जाएगा एक दो 6 महीने के अंदर उसकी विकेट है। उनकी पत्नी शिवानी पेशे से एक नृत्यांगना हैं और शादी ब्याह में होने वाले नाचने गाने का प्रशिक्षण भी देती हैं, जिससे घर खर्च के लिए कुछ पैसे आ जाते हैं। दिन रात बीमार अजय की सेवा में लगी शिवानी ज्यादा काम लेने से मजबूर हैं, क्योंकि उनका अधिकतर समय अजय की देखभाल में चला जाता है। जब दिन में जाना होता है तो इनका खाना पीना सब करना, बहुत ये सब करके मैं नहीं जा पाती, और ये अकेले अभी कहीं नहीं जाते, तो इनको 24 घंटे कोई ना कोई चाहिए घर पे, और तो कोई है नहीं। तो हॉस्पिटल जाना, फिर घर पे आना, फिर उनका खाना बनाना, तो इतने ट्यूशन्स अभी नहीं कर पाती मैं। एक दो है वो शाम को एक आध घंटे के लिए इनका सब करके निकल जाती हूँ, और वो भी पास में हो तो। वैसे डांसेस होते हैं, अब शादियों के हो तो एक डांस का 2000, तो कितने डांसेस है उसमें, किस किस को करना है। और अभी डेली जब करना होता है तो 1000 महीने का, 3 दिन क्लास होता है, इस हिसाब से जैसे होते हैं वैसे। इनकी दवाइयों का खर्चा है, एक इंजेक्शन 25000, कैसे मैनेज कर सकते हैं? नहीं कर पाऊँगी। टेंशन तो बहुत है, इतना टेंशन है ना कि मालूम नहीं था कि ऐसे भी दिन आएंगे। एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं, तो एकदम से नीचे आना भी बहुत तकलीफ होती है ना। घर की जिम्मेदारी में हमेशा व्यस्त रहने के कारण वधावकर परिवार को फैमिली प्लानिंग का वक्त ही नहीं मिला, जिस वजह से आज अजय का आंगन बच्चे की किलकारी से वंचित रहा। मातृत्व सुख से महरूम शिवानी कहती हैं कि शादी के पहले उन्होंने जितनी भी बचत की, शादी के बाद पूरी तिजोरी धीरे धीरे खाली हो गई। धीरे 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 मेरी पूरी सेविंग चले गई। यहाँ से भी स्कूल छोड़ने के बाद भी मुझे पैसे मिले थे इतने सर्विस के, वो इनका काम नहीं था ना, तो जमा तो नहीं रहे ना, वो तो धीरे धीरे सब जमा थे वो निकल गए सब,
कुछ भी नहीं बचा। आज अजय के घर का खर्च 25,000 से 30,000 रुपए है, जबकि आमदनी ना के बराबर। ना उनके पास और ना ही उनकी पत्नी के नाम पर कोई जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा है। यहाँ तक कि अजय अपना मासिक खर्च भी नहीं उठा सकते। तकरीबन अपना सब कुछ खो चुके अजय ने जिंदगी की हर डगर को मुस्करा कर पार किया, पर आज वो अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, शारीरिक ही नहीं आर्थिक रूप से भी। मैं फिर से खड़ा रहूंगा, मेरी बीवी के लिए खड़ा रहूंगा, अपने लिए खड़ा रहूंगा।